सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स विद जिनी को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और चाय के साथ ये आज हम पकौड़ी बना रहे हैं प्याज की। प्याज को इस तरह हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद है। ये देखिए प्याज हमारी सब चॉप हो गई है। इसमें हम नमक ऐड करते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। और ये ग्रीन चिलीज, हमने चार पांच हरी मिर्चों को काट के रखा है, उसको आप ऐड कर दीजिए। हरी धनिया बारीक कटा हुआ, और लास्ट में ऐड करते हैं बेसन। थोड़ा सा बेसन लेते हैं, फिर इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर कम होगा तो फिर बेसन और डालेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से, एक तरफ कढ़ाई चढ़ा देते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं और पकौड़ियों को अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करते हैं। अगर आपको जल्दी बनानी है तो पानी ऐड करना पड़ेगा, वरना अगर आप थोड़ी देर पहले इसमें नमक डाल के रख दीजिए तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़रा सी हल्दी डालेंगे, वो भी सिर्फ कलर के लिए। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी ऐड की है, इसलिए चिली फ्लेक्स सिर्फ थोड़ा सा डालना है, आधी चम्मच। दूसरी तरफ हम चाय चढ़ा देते हैं। चाय में थोड़ी सी अदरक, चाय की पत्ती, शक्कर डाल के हम खौला लेते हैं। बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। जब तक हमारी चाय खौलती है, जब तक पकौड़ियों को एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़ियाँ तलते हैं। छोटी बड़ी जैसी चाहें आप पकौड़ी का शेप देके आप इसमें डाल दीजिए, और इसको डीप फ्राई करते हैं। बारिश में पकौड़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है। चाय हमारी खौल गई है, उसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। ये हमने दो कप चाय बनाई है। अब पकौड़ियों को हम पलट देते हैं। एक तरफ से पकौड़ियाँ पक गई हैं, अब इसको पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ रेडी हैं। इसको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। और फिर से एक बार हम पकौड़ियाँ फिर से डाल देते हैं। और चाय भी हमारी रेडी है, चाय को भी हम छान लेते हैं। पकौड़ियों को फिर से पलट देते हैं, और ये हमारी शाम की चाय और पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसको फिर से पलट के दूसरी तरफ भी तल लेते हैं। ये देखिए पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम कुछ लोग भाजी भी बोलते हैं, प्याज की भाजी, और कुछ लोग पकौड़ियाँ भी कहते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए।